नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव, जहां लगातार रणबीर और आलिया की शादी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। वहीं राखी सावंत भी लगातार सुर्खियों में रहती हैं। अब इन दोनों का क्या कनेक्शन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां रणबीर और आलिया की शादी की डेट फिक्स हो रही है, कहीं चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी फाइनल कोई डेट सामने नहीं आई है। हालांकि आलिया भट्ट के चाचे ने इस बात की साफ तौर पर क्लैरिटी दे दी है कि किस तारीख को आलिया भट्ट और रणबीर शादी करने जा रहे हैं। साथ ही आलिया भट्ट के चाचे ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनको अभी इस बारे में मीडिया के सामने बोलने से मना किया गया है कि वो साफ तौर पर किसी को भी आलिया और रणबीर की शादी के बारे में ना बताए। इसी के साथ ये बात पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है कि वो दोनों 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में शादी करने वाले हैं, जिसमें बाकी रस्में और रीति रिवाज भी शामिल होंगे। इसी के साथ कौन कौन शादी में मेहमान रहेगा वो भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि राखी सावंत जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं, उनको लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। जब मीडिया द्वारा राखी सावंत से ये पूछा गया कि आप क्या रणबीर और आलिया की शादी में जाएंगी तो आपका क्या कहना है, उस पर राखी सावंत ने ये बात कही कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है रणबीर और आलिया की शादी को लेकर। इसी के साथ उनका ये कहना, एक मजेदार अंदाज में उन्होंने ये बात कही कि मैं तो रणबीर आलिया की शादी में जाकर दहेज लेने के लिए जाऊंगी और दहेज लेने के लिए बैठ जाऊंगी कि मुझे तो दहेज चाहिए। इसको लेकर राखी सावंत लगातार सुर्खियों में हैं और फैंस उनकी इस बात पर बहुत ही हंसी मजाक कर रही हैं। आपको बता दें कि राखी सावंत लगातार मीडिया के सामने आकर ऐसे फनी रिप्लाईज देती रहती हैं जब भी उनसे किसी सेलिब्रिटी के बारे में पूछा जाता है। अभी हाल ही में आलिया भट्ट ने आमिर खान के साथ एक फोटोशूट कराया जिसमें वो दिखाई दिए कवॉच शो में। वहां राखी सावंत आमिर खान के साथ फोटो खिंचवाती हुई नजर आई और इसी के साथ उनमें एक प्यारी सी दोस्ती भी देखने को मिली, जिसमें राखी सावंत आमिर खान को देखकर बोलती है कि उनको आमिर खान उनके फेवरेट है। इसी के साथ राखी सावंत अब रणबीर और आलिया की शादी में जाएंगी या नहीं वो देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि रणबीर और आलिया की शादी में 17 तारीख को रणबीर और आलिया साथ फेरे लेने वाले हैं। इसी के साथ 18 तारीख को उनके यहाँ एक रिसेप्शन होने वाला है, जिसके लिए उनका जो वेडिंग डेस्टिनेशन है वो भी फाइनल हो चुका है और क्या डेट रहेगी शादी की वो भी फाइनल हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि नीतू कपूर भी कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रही हैं। आलिया और रणबीर की शादी का एक तरीके से पूरी सीक्रेट वेडिंग की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बार बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों की शादी में क्या वो लोग पहनने वाले हैं। कभी सब्यसाची के लहंगे को लेकर तो कभी मनीष मल्होत्रा के ड्रेसेस को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आलिया भट्ट किस तरह का डिजाइनर लहंगा अपनी शादी में पहनने वाली हैं। वहीं आलिया भट्ट अपने घर में अब बंद हो चुकी हैं, हाउस अरेस्ट हो चुकी हैं शादी से पहले। इस चीज को लेकर भी बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब आलिया और रणबीर सच में शादी करने वाले हैं। हालांकि उनके चाचा के कहने के बाद अब ये चीज तो साफ हो चुकी है कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि कब जल्द से ये शादी करेंगे और इनकी शादी में कौन कौन मेहमान शामिल होंगे। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।